YDSC के अंदर हमने कुछ फॉर्मूलाज किए। देखो ध्यान से, ये न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपके पेपर में। पहला फॉर्मूला क्या किया, डिस्टेंस जो पाथ डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एन लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव का 2n-1 लैम्डा बाई 2, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज एन लैम्डा डी बाई डी, डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d और विड्थ लैम्डा डी बाई डी। बस ये नहीं किया, बाद में करेंगे। ये पहला न्यूमेरिकल YDSC एक्सपेरिमेंट में, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना है पक्का। YDSC एक्सपेरिमेंट के ऊपर द टू पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 mm अपार्ट। स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, छोटा डी, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 meter अवे, क्या गिवन है, कैपिटल डी गिवन है। व्हाट इज फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इज यूज्ड, लैम्डा नैनोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। फ्रिंज सेपरेशन क्या होती है, फ्रिंज विड्थ बीटा, बीटा क्या है, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, पुट करके आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें छोटा डी क्या है, बड़ा डी क्या है, ये समझ में आ रहा है। स्लिट के बीच में डिस्टेंस छोटा डी है, स्क्रीन का डिस्टेंस बड़ा डी है, ठीक। नेक्स्ट है लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक लेजर लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है नैनोमीटर में। स्लिट्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न है इन विच ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 8.1 mm। ब्राइट फ्रिंजेस की सेपरेशन को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। दो ब्राइट के बीच में डिस्टेंस में डार्क आ जाता है और दो डार्क के बीच में ब्राइट आता है, पर विड्थ दोनों की क्या रहती है, एग्जैक्टली सेम। तो बीटा गिवन है, लैम्डा गिवन है। अब वो कह रहा है कि सेकेंड लाइट को यूज किया गया तो फ्रिंज सेपरेशन 7.2 है, तो बीटा 2 कितना है, 7.2 है। आपको लैम्डा 2 निकालना है, राइट, क्लियर है यहाँ तक। तो आपको बीटा 1 पता है, लैम्डा 1, बीटा 2 पता है, और लैम्डा 2 आपको निकालना है। ना आपने बड़े डी को चेंज किया ना आपने छोटे डी को चेंज किया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, पहले केस में बीटा 1 लैम्डा 1, दूसरे केस में बीटा 2 लैम्डा 2, तो क्या बनेगा, बीटा 1 बाय बीटा 2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ये निकालना है गिवन 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 आंसर। तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो ये 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना प्लीज।
देखो इसमें क्वेश्चन है कि येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा वन पता है, प्रोड्यूसेस फ्रिंज विड्थ बीटा वन पता है, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ बीटा टू निकालना है, लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वेवलेंथ लैम्डा टू पता है, लेकिन साथ में एक और कंडीशन है कि सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज डबल्ड, तो सेपरेशन पहले स्लिट की स्मॉल डी है अब कितनी है 2d है, तो फॉर्मूला लगाएं बीटा लैम्डा डी बाई डी, दूसरे केस में बीटा टू लैम्डा डी बाई 2d, ये देख रहे हो फर्क क्या है डी की जगह 2d, ठीक है कैपिटल डी में कोई चेंज नहीं, लैम्डा में चेंज है, इन्हें डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पे ये रेशियो आएगी, गिवन 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 निकाल लेना बीटा टू, ठीक समझ में आ रहा है कैसे करना है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विद मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट, तो स्क्रीन की दूरी क्या है कैपिटल डी है, इफ स्क्रीन इज मूव 5×10⁻²⁰ मीटर टूवर्ड्स द स्लिट, यानी कि अगर केस नंबर वन में डिस्टेंस डी है दूसरे केस में डी डैश क्या हो जाएगा डी माइनस 5×10⁻²⁰, ठीक टूवर्ड द स्लिट चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज गिवन, चेंज इन फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है कि अगर कैपिटल डी डिस्टेंस है तो फ्रिंज विड्थ है बीटा, अब बीटा होता क्या है लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, जब बड़ा डी कम हो गया तो बीटा डैश भी कम हो जाएगा दूसरे केस में, कैपिटल डी अगर कम हो गया तो बीटा भी कम हो गया, आपको ये चेंज पता है बीटा माइनस बीटा डैश किसके इक्वल है गिवन है क्या चेंज पता है, तो आपको क्या निकालना है आपको इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट स्मॉल डी गिवन है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट यू, तो एक काम करते हैं फर्स्ट केस बीटा क्या लैम्डा डी बाई डी, दूसरे केस में डी डैश हो गया बीटा डैश हो गया, ना लैम्डा चेंज ना स्मॉल डी चेंज, दोनों को माइनस कर लो चेंज इन फ्रिंज विड्थ आ गई, ये चेंज इन फ्रिंज विड्थ बीटा माइनस बीटा डैश क्वेश्चन में गिवन है, ये रही हमें लैम्डा निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमें पता है स्मॉल डी हमें पता है, ये रहा डी माइनस डी डैश हमें पता है, वो कैसे पता है क्योंकि मैंने आपको करके दिखाया कि जो डी डैश है वो किसके इक्वल है डी माइनस 5×10⁻⁵, तो डी माइनस डी डैश आ जाएगा यहाँ से पुट करके क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा,